हेलो स्टूडेंट, अभी हम जैसे पढ़ने वाले हैं ट्रेबिट और आर्क्यूट के बारे में। ट्रेबिट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉर्बिट, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण। और दूसरा जो आर्क्यूट की बात की है, आर्क्यूट मीन्स होता है चापाकार जो शैली है, चापाकार आर्क्यूट स्किल। ठीक है, तो इन पहले के जो भवन निर्माण किया जाता था, बिल्डिंग बनाया जाता था, उस समय ये दो टेक्निक अपनाए जाते थे। इसमें सबसे पहला ट्रेबिट है। तो ट्रेबिट क्या होता था? ट्रेबिट मतलब होता है जैसे दो वर्टिकल कॉलम है, कॉलम मीन्स दो वर्टिकल, जैसे मान के चलो बिल्डिंग है कोई, तो उसमें दो कॉलम जैसे खड़े किए गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो कॉलम या तीन कॉलम के इसमें ऊपर में मतलब एक हॉरिजॉन्टल बीम डाला जाता है। मतलब दो कॉलम हो गए, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम डाल दिए, दरवाजा बनकर तैयार हो गए। दरवाजा, खिड़की और उसके साथ साथ जो छत होती है, तो यहाँ पर हो गए रूफ, विंडो और डोर में ये टेक्निक यूज किया जाता था। लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। उसमें कैसी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर दो कॉलम के ऊपर इस टाइप से मतलब जो पहले के पत्थर या ईंटें जो रखे जाते थे, मतलब जैसे स्टोन या ब्रिक्स रखे जाते थे, तो उसमें एक फिर दूसरा मतलब उसके इसमें कुछ ऐसे इस टाइप से रखे जाते थे, मतलब थोड़ा घुमावदार रखे जाते थे। लेकिन उसमें लास्ट में क्या होता था, जोड़ करके उसको एक सा एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता था। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी सी ग्रेविटी पावर, जैसे आप जैसे साइंस में देखोगे देखोगे तो जैसे ग्रेविटी पावर जो होती है ऊपर से जो जो बैलेंस होता है वो बहुत ज्यादा नीचे तक दब जाता है। मतलब इसका मतलब जो बीम होती है, बीम के ऊपर का जो भार होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कॉलम के ऊपर उतना भार नहीं आता, बल्कि बीम के ऊपर आता है, सबसे नीचे वाला बीम होता है उसके ऊपर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये टेक्निक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली थी, इसीलिए ये कब से कब तक ये अपनाई गई थी, लगभग मतलब 7 to 13 सेंचुरी के बीच में ये टेक्निक अपनाई जा रही थी। लेकिन 12 सेंचुरी की इसमें अगर हम देखते हैं तो इनको लगा, कुछ आर्किटेक्चर को मतलब वास्तुकार को जो लगा, इनको ऐसा लगा कि ये वाली टेक्निक उतनी काम नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने दूसरा टेक्निक जो आर्क्यूट टेक्निक है वो यूज़ की। आर्क्यूट टेक्निक में या चापाकार जो तकनीक है उसमें किस प्रकार की जो स्किल अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी, जैसे मान के चलो ये दो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जैसे तैयार किए, वर्टिकल कॉलम के ऊपर मतलब एक आर्क्यूट या आर्च शेप, जैसे हाफ सर्कल के टाइप हम जिसको देख सकते हैं, तो हाफ सर्कल के शेप में जो बनाया जाता दो वर्टिकल कॉलम और उसके ऊपर मतलब उसका एक घुमावदार या थोड़ा सा आर्च शेप ले लेते थे, और उसके ऊपर मतलब ये दो दो उसके साइड में जैसे पत्थर या ईंटे वगैरह से जोड़ते चले गए, और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऐसा की स्टोन जिसको कहा जाता है वो ऊपर रख दिया जाता था। की स्टोन का मतलब वहां पर बिल्कुल सेम शेप वाला नहीं होता था, बल्कि थोड़ा सा आगे नुकीला पार्ट होता था। तो उसके ऊपर रखने से क्या होता था, दोनों में तान बराबर होता था, मतलब उसके इसमें उतना स्ट्रेस नहीं आता था। और बीच से अगर रखते थे इसका मतलब वो ऊपर से गिरने का भी डर नहीं होता था। आप नीचे खड़े रहोगे तो जो ट्रेबिट जो टेक्निक अपनाए थे उसमें थोड़ा सा रिस्क वाला काम था, लेकिन आर्क्यूट टेक्निक में क्या होता था, आर्क्यूट टेक्निक में जो है बिल्कुल उसमें एक स्ट्रेच बिल्कुल बना करके, बैलेंस बना करके जो है वहां पर वो रखा जाता था। की स्टोन सबसे बीच वाला जो पत्थर होता है या ईंटे होते हैं उसको की स्टोन कहा जाता है, जिससे दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर बना रहे। अब ये बैलेंस को अगर मान के चलो की स्टोन लगा दिए तो दोनों कॉलम पे भी भार आएगा, और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा तान दे करके अगर देखा जाए तो वो दोनों का बराबर बैलेंस भी रख सकता है। तो ये होता है ट्रेबिट और दूसरा होता है आर्क्यूट। तो ट्रेबिट और आर्क्यूट, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण और दूसरा आर्क्यूट मीन्स चापाकार शैली, ये दोनों में अंतर इस प्रकार से होता है।